आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल माने जाने वाले लखनऊ समझौते की। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कई मायनों में बेहद खास था, क्योंकि इस अधिवेशन के द्वारा 1907 में विभाजित हुए कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को एक किया गया था। लेकिन वहीं इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल भी समझा जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर तो आ गए, लेकिन दोनों की विचारधारा कहीं भी एक होती नहीं दिखी। और इसके बाद मुस्लिम लीग यह समझने लगी थी कि कांग्रेस अब उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। तो दूसरी तरफ इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद भारतीय राजनीति में एक ही मंच से दो अलग अलग दिशाओं के युग का आरंभ हुआ, जिसकी परिणति भारत में विभाजन के रूप में सामने आई।